और क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारा है चैनल केमिस्ट्री पे, तो हम लोग इसमें एक्सप्लेन करें द सब्जेक्ट ऑफ डाटा ह्यूमन कंप्यूटर नेटवर्क्स में। इसके अंदर सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो चैनल कैपेसिटी की है। चैनल कैपेसिटी को पहली बात ये कि हम लोग डिफाइन करते विद द सी, तो वो कहता क्या डेफिनेशन में कहता है कि जी इज डिफाइंड टू बी द मैक्सिमम रेट एट व्हिच इंफॉर्मेशन कैन बी मेजर्ड थ्रू अ चैनल। ठीक है, तो इसमें जो फोकस किया जा रहा है वो मैक्सिमम रेट एट व्हिच इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, वो किसी भी चैनल के ऊपर हो सकता है थ्रू अ चैनल। ठीक, उसको डेफिनेशन का कहता है चैनल कैपेसिटी। राइट, तो अब देखिए खुद चैनल क्या है। अ चैनल इज मेजर टू कन्वे एन इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है इंफॉर्मेशन सिग्नल। अब सिग्नल जो सा होता है वो आपका डिजिटल बिट स्ट्रीम में है। ठीक है, अब वो कहां से जा सकता है, फॉर वन और सेवरल सेंडर्स और ट्रांसमीटर्स टू वन और सेवरल रिसीवर्स। अब क्या हो सकता है इसमें, अ सर्टेन अ चैनल हैज अ सर्टेन कैपेसिटी फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन ऑफन मेजर्ड बाय इट्स बैंडविड्थ इन हर्ट्ज और डेटा रेट इन बिट्स पर सेकंड। अब ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई चैनल कैपेसिटी की। राइट, आपने चैनल कैपेसिटी देखा और चैनल को देखा खुद क्या है। अब दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आता है हम लोग देखना चाहते हैं, दैट्स द डेटा रेट एंड बैंडविड्थ। डेटा रेट क्या है, डेटा रेट इज अ टर्म टू डिनोट ट्रांसमिशन स्पीड। ठीक है, किस चीज को वो डिनोट कर रहा है, ट्रांसमिशन स्पीड और द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर। बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ डिस्क्राइब द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन, सो दैट्स माय बैंडविड्थ। तो डेटा रेट और बैंडविड्थ की डेफिनेशन बहुत क्लियर है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम रेफर टू द इंडिविजुअल रेडियो फ्रीक्वेंसीज दैट वायरलेस सिग्नल्स ट्रैवल ओवर। द पोर्शन यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन सिट्स विदिन द स्पेस ऑफ द रेंजेस फ्रॉम अबाउट 20 के किलोहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज से। तो ये बेसिक डेफिनेशन है डेटा रेट की, बैंडविड्थ की और स्पेक्ट्रम की। डेटा रेट का क्या डिफाइन करता है, डिनोट द ट्रांसमिशन स्पीड और द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर। बैंडविड्थ क्या डिस्क्राइब द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। और स्पेक्ट्रम क्या है, अगर बस वो डिस्क्राइब करता है आपके मुतालिक बता रहा होता है रेडियो फ्रिक्वेंसीज के। ठीक है, मसलन जहाँ पर आपके वायरलेस के मुताबिक बताया हुआ, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में जो रेंजेस हैं वो बताया हुआ 20 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप देखें दोनों में रिलेशनशिप किया है डेटा रेट में और बैंडविड्थ में। अब इसमें बड़ा सिंपल से एक लफ्ज में लिखा हुआ है, यू कैन इंक्रीज डेटा रेट विदाउट इंक्रीजिंग बैंडविड्थ बाय इंक्रीजिंग ट्रांसमिटर पावर बिकॉज दैट इंप्रूव्स द सिग्नल टू नॉइस रेशियो। किसने कहा, शैनन इक्वेशंस ने कहा, इंक्रीज द चैनल कैपेसिटी thus for the same transmitting power the channel with the higher bandwidth will have the higher channel capacity। so ye iska aapas mein relationship hai, pehle aap dekhenge data rate ko bandwidth ke sath, fir aapko dikhaya ja raha hai kitna channel aur bandwidth mein aapas mein kya inka relationship hai। to aapke paas ye ek nahi do relationship bante hain, ek data rate ka bandwidth ke sath, dusra channel ka bandwidth ke sath। to aapke paas ye aapke do definitions mein se aapke paas aapko samajhana chahiye। आपके पास आता है स्पेक्ट्रम, आ जाते हैं आप देखते हैं। अगर हमें स्पेक्ट्रम को और से देखो, नीचे मेरे पास पूरी लाइन आ रही है जिसको हम कहते हैं वेव लैम्डा। ऊपर आप पूरी लाइन देखें, आप 10 टू पावर 1 से लेकर 10 टू पावर 15 तक ये देख रहे हैं फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में है। ठीक, अब दरम्यान में अगर स्टार्ट करें तो मैं स्टार्ट करूंगा पहले एएम वेव से। ठीक है, एएम से आपको एएम रेडियो जो वेव है वो स्टार्ट होती है 10 पावर 3 टू 10 पावर 2 की पूरी इसकी यहाँ पर बैंडविड्थ था। ठीक है, दिस इज मेरे माय वेवलेंथ। ठीक, अगर वेवलेंथ देखा जाए तो ऊपर अगर इसके मैं देखता हूँ फ्रिक्वेंसी किसके दरमियान में, मैं कहता हूँ ये एल एफ से लेकर लॉन्ग फ्रिक्वेंसी से लेकर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के दरमियान में, सॉरी हाई फ्रिक्वेंसी के दरमियान में, लॉन्ग फ्रिक्वेंसी तो हाई फ्रिक्वेंसी के दरमियान में। अगर मैं एफ एम रेडियो को देखूँ तो एफ एम रेडियो ऑन टीवी मेरे पास डिपेंड करता है 10 पावर 1 से लेकर 10 पावर 0 इन द वेवलेंथ। और अगर देखा जाए तो हाई फ्रिक्वेंसी से लेकर आपके पास अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज के दरमियान में आपके पास क्या है, एफएम रेडियो और टीवी। तो इस तरीके से आप हर एक को पढ़ भी सकते हो, जिसका माइक्रोवेव है, रडार सिस्टम्स हैं। तो आपके पास ये अल्ट्रा हाई से लेकर एक्स्ट्रा हाई आपके पास फ्रिक्वेंसीज में आपके लाइव होता है, और इसकी वेवलेंथ होती है 10 पावर -1 से लेकर 10 पावर -3 को क्रॉस कर जाती है। तो आपके पास ये चीज ऑलमोस्ट आपके पास समझ आनी चाहिए कि इसको स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ा जाता है, और आपको इजी है इसको पढ़ना, इतना कोई मुश्किल नहीं। आपके सबसे ज्यादा यूज हो रहा था वो रेडियो वेव्स आपके पास ही यहाँ पर। ठीक है, तो आपके वीएलएफ से लेकर
UHF तक, या आपके पास जितनी भी इसकी 10^4 से लेकर 10^9 तक ये आपकी रेडियो वेव्स हैं। अगर मैं कहूँ कि इसको आपने अंडरस्टैंड करना हो इन वेवलेंथ, आप कैसे इसको पढ़ेंगे? आप कहेंगे 10^4 से लेकर आपका 10^0 तक, तो ये सारी की सारी आपकी रेडियो वेव्स हैं। तो इसलिए अगर हम मूव करें तो डेटा रेट्स की लिमिट्स, ठीक है, अब डेटा रेट की जो लिमिट्स हैं वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। एक तो बैंडविड्थ अवेलेबल होनी चाहिए, सेकंड द लेवल ऑफ द सिग्नल्स होने चाहिए, तीसरा क्वालिटी ऑफ द चैनल। अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो डेटा रेट लिमिट्स है। जिस तरह क्या क्या थ्योरी कहती है, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डेटा कम्युनिकेशन इशू इज हाउ फास्ट वी कैन सेंड डेटा इन बिट्स पर सेकंड ओवर अ चैनल। डेटा रेट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, बैंडविड्थ, लेवल ऑफ द सिग्नल्स, क्वालिटी ऑफ द चैनल। अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो आपका डेटा रेट लिमिट्स आ जाती है। और ये किसने कहा, फिर वही बात, टू थ्योरेटिकल फार्मूलास व्हाट वाला, ठीक है, एक आपके पास शैनन है, दूसरा अखबार न्यूक्विस्ट है। तो ये दोनों आप हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसकी बेस पर हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स फॉलो करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि जनाब ये बैंडविड्थ, लेवल और क्वालिटी तीनों के ऊपर मेन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इन माय डेटा रेट लिमिट्स के अंदर। अब देखें जी, न्यूक्विस्ट बिट रेट, ये उसका फॉर्मूला है फॉर आवर न्यूज नॉइस लेस चैनल के लिए। नॉइस लेस का चैनल का मतलब ये जिसमें कोई नॉइस ना हो। तो ये मेरे पास बिट रेट इक्वल्स टू 2 क्रॉस बैंडविड्थ क्रॉस log to base 2 l. अब this is my bandwidth and l is what is the number of my signals, right? So agar main isko calculate karu so that becomes the my bit rate. Agar usse definition kehti hai kya iski, increasing the level of the signals, theek, agar main isko level ko jitna is increase ko may reduce the reliability of the system, so ye reduce karta hai aapka bit rate, theek hai ji. Agar main iski example dekhu, yahan par mere paas usne bandwidth thi 3000 ki aur levels of kitne signals 2 hai. तो आप सिंपल इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास दिस इज 1 और ये आपके पास मल्टीप्लाई कर जाएगा 2 टाइम 3000 बिकम्स व्हाट 6000 बिट्स पर सेकंड, राइट। ये तो शुरू में आपको मैंने बता दिया इसका ये इसके इक्विवेलेंट ऑफ बिट्स पर सेकंड के इक्विवेलेंट होता है आपके पास। और अगर मैं ये बस नेकल एक सेकंड क्वेश्चन है, कहता वी नीड टू सेंड 265 किलोबिट्स पर सेकंड ओवर नॉइसलेस चैनल विद अ बैंडविड्थ ऑफ 20 किलोहर्ट्ज़, हाउ मेनी सिग्नल लेवल्स डू वी नीड, राइट। अब इसका मतलब है क्या, मुझे फाइंड आउट करना है एल, तो मैं इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करके इसे नीचे डिवाइड करूंगा, दैट बिकम्स व्हाट 6.625। तो मुझे ये पता है कि लॉग टू बेस 2 ये एल है, तो ठीक है, इसके दूसरी लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो, आई मीन इसकी पावर आ जाएगी, आई मीन इस 2^6.25 पर ये जो कैलकुलेट करूंगा वो आएगा देन आपके पास 98.7 लेवल्स। तो ये आपके पास एग्जांपल नंबर 2 हो गए। अगर हम देखें नॉइस शैनन कैपेसिटी में, क्लाउड Shannon introduced a formula called Shannon capacity to determine kya determine the theoretical highest data rate of our noise channel. For noiseless than ye noise channel, aur iska ye formula aapke paas 1 plus SNR sound to noise ratio, theek hai, signal to noise ratio. So iska ye formula aap usko add karte ho uski base 2 se, uska log lete ho, usko multiply karte ho bandwidth se, to uski ye capacity nikal aati hai. So ab iske base pe hum log iske karte hain numericals. कहता है कि जी अ टेलीफोन लाइन नॉर्मली हैज अ बैंडविड्थ ऑफ दिस वन, ठीक है जी, और ये 300 से 3300 हर्ट्ज है, साइन फॉर द डायरेक्ट कम्युनिकेशन, द सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज यूजुअली इज 3.3162। अब मैं ये कहता हूँ सिग्नल टू नॉइस रेशियो 3162 है, आपने इसको 1 किया, ऐड किया, उसका लॉग लिया, तो ये मेरे पास आ गया 11.62। उसको मल्टीप्लाई किया विद माय बैंडविड्थ जो मैंने यहां पर फाइंड आउट किया था, उसकी बैंडविड्थ ये गिवन थी द क्वेश्चन, वो ये मेरे पास आ गया। तो इसने कहा दिस मींस दैट द हाईएस्ट बिट रेट फॉर टेलीफोन लाइन इज दिस वन 34,860 किलोबिट्स पर सेकंड। अगर आप इसे कैसे 34.860 किलोबिट्स पर सेकंड। आई होप सो आपको ये इसकी समझ लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।